और यही नोटिस को नज़रअंदाज करके निकलने का सजा है। 27 किलोमीटर्स, आई हैव टू गो बैक ब्रो। अभी टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 8:59, 9 बज गया, और यहाँ से भोर नेकलेस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो है 169 किलोमीटर्स, 3 hours 40 minutes टू गो। लेट्स स्टार्ट द राइड। डिस्टेंस कवर हो गया 26 किलोमीटर्स, और अभी बारिश चालू हो गई है, हल्का हल्का बारिश चालू हो गया है, लेकिन आज मैं मेंटली प्रिपेयर है भाई, भीग के ही जाना है अपने को, तो इतना तकलीफ होगा नहीं, क्योंकि घर से मैं मेंटली प्रिपेयर होकर निकला था, बिकॉज नवी मुंबई में जो रेनफॉल दिखा रहा है वो 20% है, और भोर रीजन में जो रेनफॉल दिखा रहा है वो 60% है, तो ऑब्वियसली आप ही ना आगे जाके भीगना ही है, भीगते भीगते ही चलो। राइड का टाइम पे ना मेरे को सबसे ख़राब चीज़ जो लगती है ना वो है लेन चेंज विदाउट इंडिकेटर्स। अभी ये भाई साहब जो हमारे जा रहे हैं वाइट गाड़ी में, ये लेन चेंज कर रहे हैं धड़ाधड़, लेकिन इंडिकेटर्स का नामो निशान नहीं है। इन द नेक्स्ट 2 किलोमीटर्स वी आर अबाउट टू एंटर ओल्ड खंडाला घाट। अगर आपको खंडाला का घाट सेक्शन घूमना है तो आई हैव मेड अ वीडियो ऑन टाइगर पॉइंट, जो कि लोनावाला का हाईएस्ट पॉइंट है, सो डू चेक इट आउट। अभी टाइम हो रहा है 10:16 एंड मोर 113 किलोमीटर्स टू गो, और ऑलरेडी मैं पूरी तरीके से भीग चुका हूँ, सिर्फ सर मेरा बचा है, तो शाम को घर पहुंचते पहुंचते तक गीला ही रहना है। इसीलिए मैं बोला ना, मैं घर से निकला ना, मैं मेंटली प्रिपेयर होके ही निकला था कि भाई गीले होते हुए ही जाना है। और ये ट्रैफिक पुलिस चीचा का चेकिंग चालू है, लेकिन अपने को नहीं पकड़ा सर ने, थैंक यू चीचा। लोनावाला क्रॉस होने के बाद जो रास्ता मिला है ना, एकदम मक्खन जैसा रास्ता है, और इसमें मेरे को ना 80-100 के स्पीड में क्रूज करने में जो मजा आ रहा है ना, बस ये रोड होना चाहिए। एक भी पॉटहोल नहीं मिला मेरे को अभी तक, लिटरली मैं अराउंड 5 किलोमीटर के ऊपर मैंने गाड़ी चला लिया इधर, एक भी पॉटहोल मुझे नहीं मिला ये लोकेशन में। टाइम हो रहा है 12:02 एंड मोर 5 किलोमीटर्स टू गो। यहाँ पे आके थोड़ा गांव वाला फीलिंग आने लग गया, अभी फुल ग्रीनरी है दोनों बाजू, खेती है। नेकलेस पॉइंट से थोड़ा ही आगे आओगे तो मेरे को एक भुट्टे का शॉप भी मिल गया, सो इट्स टाइम टू हैव सम भुट्टा। कितने बजे से स्टार्ट करते, कितने बजे बंद करते? सुबह 10:00 और क्लोक बंद कितना बजे थे? 6:00 शाम को। सैटरडे संडे भीड़ होता है? फुल भीड़ ज़्यादा होता है। ओके थैंक यू।
का मेन मार्केट एरिया है, बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। चलो आते वक्त सेम देखते देखते आया, जाते वक्त भी सेम देखते देखते जाऊँगा, बोर हो जाऊँगा। कुछ विचित्र देखा जाए, पूरा क्राउडेड मार्केट है यार। नोमैड MAD स्पेस SHA BAZ आप किधर जा रहे हो? मैं अभी मुंबई। मुंबई इधर से? हाँ। आपका नाम क्या है? सोमतारू। सोमतारू, ठीक है चल। अभी मैं देवघर डैम के सामने से क्रॉस हो रहा था। ये जो है ये देवघर डैम है, और मुझे एक फार्मर मिले इधर लोकल, जिनका इधर फार्मिंग का एरिया है, ये एरिया में उनका फार्मिंग होता है। तो उन्होंने मेरे को रोका, उन्होंने पूछा कि आप किधर जाना चाहते हो? तो मैंने बोला मैं पनवेल जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि ये जो रास्ता है इधर आगे बहुत सारा लैंडस्लाइड हुआ हुआ है, तो उसका क्लियर करने का काम चालू है, तो आगे जाके ऐसे रास्ता बंद मिलने वाला है। तो मैं आ गया नेकलेस पॉइंट से अराउंड 27 किलोमीटर्स आगे ये रूट में, ताकि मैंने सोचा था मैं हिल्स को एंजॉय करते हुए जाऊंगा, बट एज ऑफ नाउ आगे का रास्ता बंद है, तो मुझे वापस जाना पड़ेगा भोर मार्केट होते हुए हाईवे पकड़ते हुए। जिस रास्ते से मैं आया तो उसी रास्ते से मुझे जाना पड़ेगा वापस। तो मेक श्योर कि आप ये रूट लेना अवॉइड करें फॉर टाइम बिंग। नोटिस लगा है, बट उन्होंने बोला नोटिस आगे लगा है, बट मेरे को नोटिस आगे दिखा नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया मे बी, बट मेक श्योर कि आप ये रूट अवॉइड करो। फिलहाल देवघर डैम का व्यूज एंजॉय करो। एरिया बहुत ज़्यादा विंडी है, इसके लिए मैंने तुरंत ड्रोन मैंने वापस नीचे ले लिया, बिकॉज ड्रोन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था और मैं ये ड्रोन खोना नहीं चाहता हूँ। तो अभी मैं जाऊँगा वापस भोर मार्केट वापस, और भोर मार्केट से होते हुए मैं जाऊँगा लोनावाला होते हुए घर। तो आज का वीडियो मैं इधर ही समाप्त करता हूँ। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर न्यू वीडियोज़। अंटिल देन दिस इज शाहबाज खान साइनिंग ऑफ, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। देखो इधर ही नोटिस लगा है, भोर महाड रोड वरंद घाटा मध्ये दरड कोसळले आणि काम चालू आहे, वरंद घाट बंद करण्यात आला आहे। और यही नोटिस को नजरअंदाज करके निकलने का सजा है। 27 किलोमीटर्स आई हैव टू गो बैक ब्रो।